उत्तर प्रदेश के जैनपुर में उस वक्त एक मां पर दुखों का पहाड़ टूट गया जब उसकी 30 वर्ष के बेटे की मौत हो गई। मां ने उसकी अंतिम विदाई में सामाजिक बंधन तोड़ दिए, ममता की अनोखी तस्वीर दिखाई। दरअसल जैनपुर जिले की बीजेपी स्थानीय महिला नेता अंजू पाठक अपने बेटे की मौत के बाद उसे खुद मुखाग्नि दी। माँ द्वारा बेटे को दी जाने वाली मुखाग्नि को देखकर मौके पर मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। दरअसल जैनपुर की रहने वाली अंजू पाठक के पति राजनारायण पाठक की 10 साल पहले मौत हो चुकी थी और अब लंबी बीमारी के चलते इकलौते बेटे की मौत हो गई है। मानो जैसे उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। वाराणसी के अस्पताल में अंजू पाठक के 30 वर्षीय पुत्र हिमांशु पाठक ने आखिरी सांसें ली। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।